Dear students, today we discuss about badminton. You know badminton is a very famous game. और मैं आज आपको जो बैडमिंटन की इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इन्फॉर्मेशन होगी बैडमिंटन की हिस्ट्री, बैडमिंटन के रूल्स रेगुलेशन, इक्विपमेंट, टर्मिनोलॉजी ऑफ बैडमिंटन. और जो है मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले बैडमिंटन की हिस्ट्री से. तो आप को मैं बता दूं कि बैडमिंटन खेल जो कि भारत में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई थी. पुणे शहर के पास ये गेम ब्रिटिशर्स, चूँकि इस समय इंडिया जो है हमारा जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, रूलर जो थे भाई ब्रिटिशर्स थे. तो 1860 में ब्रिटिश इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था इस गेम को. प्रारंभिक दौर में इससे भी अगर हम पुराना जाएं तो बहुत सारे ऐसे पिक्चर 12वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे पिक्चर भी हैं जिसमें कि रैकेट नुमा आकृति की कुछ पत्थर की या कुछ लकड़ी की चीज़ें बनी हुई चित्रकारी जो है शिलालेखों पे मिली है. लेकिन हम मॉडर्न बैडमिंटन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये इसकी शुरुआत जो है भारत से हुई है, जो कि इसमें ब्रिटिश मिलिट्री जो थी उसका बहुत बड़ा योगदान था. और इसको शुरू में बैडमिंटन को पुणे के नाम से ही जाना जाता था. और हम बात करते हैं अब इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जो है 1860 के आसपास एक खिलौना व्यापारी जिनका नाम इसहाक स्प्रॉट था, उन्होंने बैडमिंटन के ऊपर एक किताब लिखी थी. लेकिन आज दुर्भाग्य से उस किताब की कोई प्रति नहीं है, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता. लेकिन बहुत दिनों तक जो बैडमिंटन के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो ब्रिटिश इंडिया द्वारा जो बनाए गए थे वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते रहे. और इस नए खेल को धीरे धीरे जो है जब इस ऑफिसर्स का एक मैच जो है इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के गुस्टम सायर स्थित 1873 में हुआ, तो वहाँ पे जब ये खेल हुआ तो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों में स्पेशली जो है हाई इनकम ग्रुप जो होता है उन्हीं के बीच में हुआ तो ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वहाँ पे हुआ और काफ़ी इसे पसंद किया जाने लगा. तो उसके बाद जो है 1887 में ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो नियम जारी चल रहे थे उसी नियम के अंतर्गत ये खेल 1887 तक उसी नियम के अंतर्गत खेले गए. लेकिन 1893 में इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन ने कुछ नियमों में परिवर्तन किया जो कि वो आज के मॉडर्न जो बैडमिंटन चल रहा है इससे काफ़ी मिलता जुलता वो नियम. प्रिय स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखेंगे बैडमिंटन को अलग अलग जगहों पर, जैसे भारत में पुणे के नाम से जाना था और जापान में इसको हैंतो सुकी के नाम से जाना जाता था और इंग्लैंड में बैडमिंटन के नाम से जाना जाने लगा. और चूंकि इंग्लैंड जो है इसके रूल्स रेगुलेशन और इसको मॉडर्न करने में बैडमिंटन में इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा योगदान था, तो आगे चलकर ये बैडमिंटन के नाम से ये गेम फेमस हो गया. और सबसे पहले जो इसका रूल्स रेगुलेशन जो बनाया वो इंग्लैंड के पोर्ट साउथ स्थित डनबर नामक भवन के आधिकारिक तौर पर बैडमिंटन की शुरुआत जो है वहाँ पे हुई और वहाँ पे इसके रूल्स रेगुलेशन लिखे गए. और आपको बता दूँ 1972-1988 ओलंपिक में इसको पार्टिसिपेट कराने के लिए इसका एक एग्जीबिशन हुआ. कोई भी, मैं आपको यहाँ पे एक रूल बता दूँ, एक रूल होता है जिसमें बैडमिंटन या कोई भी गेम अगर ओलंपिक में हम उसको इंट्रोड्यूस करें तो उसके पहले उसका एक डैमो होता है. तो वो डैमो जो है 1972 और 1988 में हुआ. उससे पहले जो बैडमिंटन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, उसका प्रारंभ जो है 1899 में हुआ. उसके पश्चात ये गेम पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय होने लगा और इसके जो प्रतियोगिता जो है धीरे धीरे बैडमिंटन को बहुत ऊंचाई तक ले गई ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चिप्स. और इस टूर्नामेंट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं,
भारत के दो खिलाड़ी जिसमें जिन्होंने इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद, जो कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पुलेला गोपीचंद को आप जानते होंगे, सानिया मिर्जा और पीवी सिंधु के, सानिया नेहवाल और पीवी सिंधु के गुरु हैं, और इन्होंने भारत के बैडमिंटन को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की हैं। और जो बैडमिंटन का रूल और रेगुलेशन बना, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ, जिसके कि उस समय 8 मेंबर्स हुआ करते थे, डेनमार्क, इंग्लैंड, कनाडा, और ये सारे मेंबर्स थे, वो 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई 1934 में। उसके बाद और ओलंपिक में इस गेम को शामिल किया गया, वो शामिल किया गया 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में, और बार्सिलोना ओलंपिक से ये जो है ओलंपिक गेम के रूप में कंटिन्यू अभी तक बैडमिंटन खेल खेला जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1934 में इसको स्टार्ट किया गया। इसके जो है जो मेंबर्स थे, 9 फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो थे इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, डेनमार्क, हॉलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड फ्रांस। और मैं आपको बताऊँ, जो स्टार्टिंग के दौर में जब बैडमिंटन स्टार्ट हुआ तो उसमें डेनमार्क का बहुत दबदबा था, और आगे चल कर कोरिया, चीन ने भी इसमें काफ़ी अपना वर्चस्व स्थापित किया, और वर्तमान समय में भारत भी इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये थी बैडमिंटन की एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और धीरे धीरे जो है इसमें जो है बहुत सारे और भी टूर्नामेंट्स होने लगे। इसके जो मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो हैं थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप जो है मेन के लिए होता है, उबेर कप फीमेल के लिए होता है। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बैडमिंटन का। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने ये पहले भी अभी ये चर्चा कर ली आपसे कि 1992 में इसको बार्सिलोना में जो है ये एज ए गेम ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हो चुका था। और अभी इस समय, उस समय 9 मेंबर से जो ये गेम स्टार्ट हुआ था, आज इसके जो है 150 मेंबर्स से ज़्यादा कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आने वाले अब धीरे धीरे इसके मेंबर्स और भी कंट्रीज में बढ़ते जा रहे हैं। और हम बात करते हैं रैकेट की, तो बैडमिंटन रैकेट और कॉक, शटल कॉक जिसको बोला जाता है, जिसको फेदर भी बोलते हैं, जो कि चिड़ियों के पंख से बनता है, इसको डेवलप किया जाता है। तो उसमें जो रैकेट का जो हाइट, मतलब उसकी स्ट्रेंथ लेंथ होती है, वो 680 मिलीमीटर, 26.75 इंचेस ओवरऑल लेंथ होती है। एंड उसकी जो विड्थ होती है, जो उसका हेड होता है जिसमें स्टिंग्स लगते हैं, मैं उसको ज़्यादा आपको अच्छा यहाँ समझ में आएगा, ये जो एरिया है हेड जिसको बोलते हैं, जो हेड है उसकी जो है उसका एक अलग पार्ट होता है, थ्रोट का अलग पार्ट होता है, सेफ्ट का अलग पार्ट होता है, और हैंडल का अलग पार्ट होता है। तो ये रैकेट ओवरऑल जो है 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसकी स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है। 230 मिलीमीटर, 9 इंचज इसकी जो है विड्थ होती है। द ओवरऑल लेंथ ऑफ हेड इज नॉट टू एक्सीड 209 मिलीमीटर, 290 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 230 to 290 के बीच में ही होना चाहिए। फ्रॉम लाइट मैन मेड मटेरियल्स सच एज एलुमिनियम, ग्रेफाइट, आजकल जो मॉडर्न रैकेट्स आ रहे हैं ग्रेफाइट्स के बने होते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न रैकेट्स आ रहे हैं उसमें एक चीज़ आप और देखेंगे, जो थ्रोट है आप उसमें, आजकल जो मॉडर्न बैडमिंटन उसमें बिना ज्वाइंट के बैडमिंटन रैकेट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि आपके स्ट्रोक्स जो हैं ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ज़्यादा तेज़ी से वो रन करते हैं। बात करते हैं शटल कॉक जो है फेदर्स का बनता है, प्लास्टिक के भी फेदर्स शटल कॉक बनते हैं, बट ऑफिशियली जो शटल कॉक होता है वो फेदर का ही माना जाता है। जो इंटरनेशनल, नेशनल या हमारे केवीएस के रीजनल, नेशनल है, और इसमें जो टूर्नामेंट्स में, जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो मान्यता है प्राप्त, वो जो है वो फेदर्स के कॉक ही होते हैं। तो फेदर्स के कॉक का जो स्पेसिफिकेशन, उसमें जो फेदर्स होते हैं 14 to 16 फेदर्स होते हैं, मतलब 14 और 16 फेदर्स होते हैं शटल कॉक में, और जो कि डक के पंखों से बनाया जाता है। ये फेदर कॉक की फिक्स है। अब इसको आप काउंट अगर करेंगे, अब आपको जब भी कभी मौका मिले
तो आप जरूर इसको काउंट करिएगा, आपको 14 और 16 ही मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी हो गई। अब हम तो पर्टिकुलर शूज़ की बात करते हैं, बैडमिंटन के शूज़ की बात करते हैं, बैडमिंटन कोर्ट की। बैडमिंटन कोर्ट रेक्टेंगल होता है और इसका जो लेंथ होती है वो 44 फीट और विड्थ होती है 20 फीट। और अगर हम मीटर में देखें तो मीटर में इसकी लेंथ होती है 13.4 मीटर एंड विड्थ इज 6.1 मीटर। इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पहले ये मार्किंग फिट में होती थी, अभी जो है सारे जितने भी मार्क्स मार्किंग है सारे कोर्ट्स की उसको हम मीटर में ही करते हैं। तो हम आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको फिट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे फिट में, तो सबसे पहले देखिए इसकी लेंथ होती है जो है 44 एंड विड्थ इज 20 फीट। एंड वी सी हियर गैलरी, बैक गैलरी, जो है दिस इज़ अ बैक गैलरी, और इसका जो विड्थ होता है ये होता है 2.5 फीट। ओके, एंड उसकी जो साइड गैलरी होती है, ये जो साइड गैलरी है, ये साइड गैलरी जो होती है ये होती है, साइड गैलरी होती है 1.5 फीट। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इसका जो है मेज़रमेंट है, नेट की हाइट आपको पहले ही बता दिया है कि कॉर्नर्स में 5.1 फिट एंड सेंटर 5 फिट। और अब आप सर्विस लाइन से इसकी दूरी देखेंगे तो 6.6 फिट एंड सेंटर लाइन से शॉर्ट सर्विस लाइन जो होती है वो 6 फिट 6 इंच। अब हम इसको अगर हम मीटर में देखना चाहें तो मीटर में आप देखिए, तो मीटर में लेंथ है 13.4 फीट और इसका विड्थ है 6.10 मीटर। एंड बैक गैलरी जो है, बैक गैलरी है 0.76 मीटर एंड साइड गैलरी इज 0.46 मीटर। तो ये, और जो है इसका जो सेंटर लाइन से जो इसकी दूरी है शॉर्ट लाइन की 1.98 मीटर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो बैडमिंटन कोर्ट रेक्टेंगल होता है और इस तरह से इसकी मार्किंग होती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं स्कोरिंग सिस्टम। बैडमिंटन का स्कोरिंग सिस्टम पहले बहुत पुराने समय में 11 पॉइंट का होता था और उसमें सर्विस जिसकी होती थी उसी के पॉइंट काउंट होते थे। बट अभी मॉडर्न टाइम में जो बैडमिंटन के जो स्कोरिंग सिस्टम चल रहा है वो 21 पॉइंट का, 3 सेट्स होते हैं और 21 पॉइंट के 3 सेट्स होते हैं, और विनिंग जो टीम होती है या विनिंग जो प्लेयर्स होता है वो नेक्स्ट सेट में वो सर्विस अपनी कंटिन्यू रखता है। और इसमें जो है 3 प्रकार के जो बैडमिंटन में गेम्स होते हैं। एक होता है इंट सिंगल गेम्स जिसमें एक ही खिलाड़ी अपोनेंट्स, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का सामना करता है, सिंगल्स को बोलते हैं। डबल्स में दोनों टीमों में दो दो खिलाड़ी होते हैं उसको डबल्स बोलते हैं। और एक होता है मिक्स डबल्स जिसमें वन मेन वन वुमेन एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, मिक्स डबल्स को बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट कैसे किया जाता है। गेम जो है लव ऑल से स्टार्ट किया जाता है। लव ऑल मतलब दोनों टीमों की पॉइंट 0-0 होते हैं और सर्विस जो है इसमें ऑड एंड इवन का फार्मूला यूज़ होता है। सर्विस ऑलवेज फ्रॉम राइट साइड से स्टार्ट किया जाता है। जैसे बी और ए एक टीम है और डी और सी एक टीम है, तो ए का ए खिलाड़ी जो है वो जो सर्विस करेगा सी को जब भी लव ऑल से जब गेम स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि राइट साइड है, ए का राइट साइड हैंड किधर है, इस साइड है, तो राइट हैंड से वो स्टार्ट करेगा। तो जितने भी सर्विस वो करेगा वो पहली सर्विस 0 लव ऑल है तो 0 सर्विस स्टार्ट होगी ए सी को करेगा। अगर बाय द वे मान लीजिए ए का एक पॉइंट बन जाता है तो वो फिर ए ट्रांसफ़र हो जाएगा इस लेफ्ट साइड कोर्ट में और फिर वो डी को सर्विस करेगा। फिर इसी कंडीशन को हम आगे देखते हैं। मान लीजिए सर्विस उस समय डी वाले ने ए वाले का सर्विस अगर ब्रेक होता है तो डी का मतलब डी और सी की टीम का एक पॉइंट बन जाता है। तो वहाँ भी आप देखिए लेफ्ट साइड से, क्योंकि उसका भी एक पॉइंट बन गया है तो लेफ्ट साइड से मतलब ऑड और इवन का फार्मूला यहाँ जो यूज होता है। राइट कोर्ट में, राइट साइड के कोर्ट में जब आप फेस करते हैं बैडमिंटन नेट नेट की तरफ जब आप फेस करके खड़े होते हैं, जो आपके राइट साइड का कोर्ट होता है उसमें से आप जितनी भी सर्विस करेंगे
वो सर्विस होगी आपकी इवन नंबर की, और लेफ्ट साइड कोर्ट में नेट को फेस करते जो आप खड़े होते हैं वो सारी सर्विस होगी आपकी ऑड नंबर की। तो ये आपको ध्यान, जैसे मान लीजिए यहाँ भी स्कोर है 3-2, 3 मतलब ऑड नंबर, सी जो है ए को सर्विस कर रहा है ऑड नंबर से। अगर मान लीजिए इसके बाद आगे कंडीशन देखते हैं, 3-3 हो गया तो मतलब उसने सर्विस ब्रेक किया, तो ए सर्विस करेगा सी को। इसी तरह से ये कंडीशन कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, इसी तरह ऑड एंड इवन फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। अगर सर अगर इवन नंबर है तो राइट साइड से सर्विस करनी है, अगर ऑड नंबर है तो हमको उसको लेफ्ट हैंड साइड से सर्विस करना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। अब हम सिंगल डबल्स एंड मिक्स डबल्स की मैंने बात पहले ही कर ली। सिंगल्स मतलब वंस अगेंस्ट वन, डबल्स मतलब टू अगेंस्ट टू, एंड मिक्स डबल्स मतलब वन मेन वन वुमेन, सेम अपोनेंट टीम में वही कंडीशन रहती है। फाइव टाइप्स ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन जो है फाइव टाइप्स का होता है, मेन्स सिंगल, वुमेन सिंगल, मेन्स डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल, मेन्स डबल्स एंड वुमेन्स डबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड लेवल डबल्स। तो इंटरवल एंड चेंज ऑफ एंड्स जो है, इसमें इंटरवल जो है 21 पॉइंट्स के बाद, पहले टॉस होता है, टॉस होने के बाद खिलाड़ी जो टॉस जीतता है वो चाहे तो सर्विस चूज़ करे, चाहे तो कोर्ट का साइड चूज़ करे। चूज़ करने के बाद इसमें देखिए कुछ पुराने रूल्स के भी दिए हुए हैं। आज के मॉडर्न टाइम में 21 पॉइंट्स के गेम होते हैं, और 21 पॉइंट्स में सर्विस तो जो है वो मेन तो रहता ही है, जो पॉइंट बना लेता है सर्विस उसकी रहती है। और लेकिन कोई भी किसी भी कोर्ट में, जिसके भी अपोनेंट कोर्ट में आप अगर पॉइंट गेन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको पॉइंट सेम, आपको तुरंत आपको एक पॉइंट मिल जाता है। अब हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी बैडमिंटन की टर्मिनोलॉजी जो है अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सर्व, सर्विस जो है द स्ट्रोक यूज टू पुट द शटल कॉक इन टू प्ले एट द स्टार्ट ऑफ द ईच रैली आल्सो कॉल्ड सर्विस। सर्विस को सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो सर्विस मीन्स होता है कि सर्विस का इसमें एक पैटर्न भी होता है। सर्विस इसमें तीन प्रकार की सर्विस होती है। पहली सर्विस है बैकहैंड सर्विस, शॉर्ट सर्विस और हाई टॉस सर्विस। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब सर्विस आप कर रहे हैं आपका रैकेट आपकी कमर के ऊपर ना आए। अगर कमर के ऊपर आपका रैकेट हिट करते समय आता है तो वो सर्विस फॉल्ट भी मानी जाती है। लव सर्व मीन्स कि जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, और चाहे वो सिंगल्स हो चाहे डबल्स हो, लव सर्व आपके हमेशा राइट साइड कोर्ट से होता है, आपके राइट हैंड साइड कोर्ट से होता है, और जब दोनों टीमों का स्कोर 0 रहता है तो उसको लव सर्व स्टार्ट करते हैं। हाई सर्व मैंने अभी आपको बताया कि हाई सर्व मतलब हाइट ऊंचाई से मारते हैं। फ्लिक सर्व जो है बैक हैंड से फ्लिक सर्व करते हैं, मैं आपको पिक भी दिखा देता हूँ फ्लिक सर्व कैसे किया जाता है। पिक सर्व की खासियत ये होती है, ये देखिए ये जो है पिक सर्व फ्लिक सर्व बैक हैंड सर्विस कर रहे हैं, ये फ्लिक कर सकते हैं, इसमें तेजी से भी कर सकते हैं ऊपर से जाती कॉक, और स्लो भी कर सकते हैं। तो ये फ्लिक सर्विस को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं बैक हैंड, बैक हैंड जो है एक तरह का जितने भी स्किल्स बैक हैंड साइड से यूज़ करते हैं, जैसे ये आप वीडियो देखिए ये बैक हैंड यूज़ हो रहा है, ये बैक हैंड यूज़ हो रहा है, इसके बाद देखिए ये बैक हैंड है, ये बैक हैंड है, ये फोर हैंड है। तो ये जो चीज़ें यूज़ हो रहे हैं इसको हम देख कर जान सकते हैं, ये जो बैक हैंड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये बैक हैंड जो टर्मिनोलॉजी, इसमें तो आपको अपने हाथ के बैक हैंड इसका ग्रिप भी थोड़ा अलग रहता है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि बैक हैंड स्किल क्या होती है। अब हम बात करते हैं वुड शॉट, ये बड़ा थोड़ा सा लीगल शॉट इन विच द शटल हिट्स द फ्रेम, जो हमारा फ्रेम होता है रैकेट का, अगर उस पर हमारे कॉक टच होके अपोनेंट कोर्ट में जाती है तो उसको हम वुड शॉट बोलते हैं। इसके बाद होता है स्मैश, स्मैश जो है वो स्मैश इज अ पावरफुल स्ट्रोक और हार्ड हिट ओवर हेड।
शॉट दैट फोर्स द सटल शॉर्पली डाउनवर्ड इन टू द अपोनेंट, मतलब अपोनेंट्स कोर्ट में जो है हमारा शॉट अगर गिर जाता है काफ़ी स्पीड में जाता है कोर्ट के नेट के ऊपर से और अपोनेंट कोर्ट में गिरता है तो उसे हम स्मैश करते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से होता है, काफ़ी पावरफुल होता है। उसके बाद हम शॉर्ट सर्विस लाइन बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस जब हम सर्विस करते हैं, मैं आपको इसके लिए कोर्ट के पास ले जाता हूँ, शॉर्ट सर्विस होती क्या है, इसके लिए आपको जब आप सर्विस करते हैं तो जो सेंटर लाइन से जो कोर्ट की दूरी होती है, ये आ गया कोर्ट, तो ये लाइन से ये जो लाइन है इसको देखिए शॉर्ट सर्विस लिखा हुआ है, येलो लाइन जो दिख रही है इस लाइन पे के हम अंदर गिरनी चाहिए, मतलब लाइन के अगर शॉर्ट रह गई, अगर यहाँ गिर गई या यहाँ गिर गई यहाँ गिर गई, ये शॉर्ट है, सर्विस शुड भी आपको कम से कम यहाँ तक आनी चाहिए, अगर आप लेफ्ट सर्विस कर रहे हैं राइट सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ गिरनी चाहिए, इस कोर्ट से इस कोर्ट में आनी चाहिए, इस कोर्ट से इस कोर्ट में आनी चाहिए सर्विस, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और तो इस तरह से जो है हम लोग इसको रैली की, रैली मीन्स कि जो अपोनेंट दोनों टीमें जब आपस में कंटिन्यू इस साइड से अपोनेंट के कोर्ट में कंटिन्यू जब रैली चलती है उसे रैली बोलते हैं, मतलब कंटिन्यू जो थोड़ी देर तक चले, द एक्सचेंज ऑफ द शॉट्स दैट डिसाइडेड ईच पॉइंट्स, नाउ मैच अ सीरीज ऑफ गेम्स टू डिटरमाइन अ विनर, मैच का मतलब जो मैच से ही विनर का डिसीजन होता है, देन लेट, लेट मतलब अ माइनर वायलेशन ऑफ द रूल्स अलाउंग रैली टू बी रिप्लेस्ड, कोई अनवांटेड डिस्टर्बेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम लेट, रेफरी लेट बोल के गेम को वहीं स्टॉप कर सकता है और फिर से उसको स्टार्ट कर सकता है। किल, किल मतलब कि जो बहुत तेज फास्ट डाउनवर्ड शॉट दैट कैन नॉट बी रिटर्न, ऐसा शॉट मारें कि अपोनेंट के कोर्ट से अपने कोर्ट में वापस ना आ पाए। रैली की, रैली मीन्स कि जो अपोनेंट दोनों टीमें जब आपस में कंटिन्यू इस साइड से अपोनेंट के कोर्ट में कंटिन्यू जब रैली चलती है उसे रैली बोलते हैं, मतलब कंटिन्यू जो थोड़ी देर तक चले, द एक्सचेंज ऑफ द शॉट्स दैट डिसाइडेड ईच पॉइंट्स, नाउ मैच अ सीरीज ऑफ गेम्स टू डिटरमाइन अ विनर, मैच का मतलब जो मैच से ही विनर का डिसीजन होता है, देन लेट, लेट मतलब अ माइनर वायलेशन ऑफ द रूल्स अलाउंग रैली टू बी रिप्लेस्ड, कोई अनवांटेड डिस्टर्बेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम लेट, रेफरी लेट बोल के गेम को वहीं स्टॉप कर सकता है और फिर से उसको स्टार्ट कर सकता है। किल, किल मतलब कि जो बहुत तेज फास्ट डाउनवर्ड शॉट दैट कैन नॉट बी रिटर्न, ऐसा शॉट मारें कि अपोनेंट के कोर्ट से अपने कोर्ट में वापस ना आ पाए। अगर हम फोर हैंड की बात करें तो फोर हैंड बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी बैक हैंड के बारे में आपको बताया था, तो बैक हैंड जिस तरह से होता है उसी तरह से फोर, तो ये देखिए ये जो स्किल है ये फोर हैंड की स्किल है, ये राइट हैंड से ये जो हम रैकेट पकड़ा है ये फोर हैंड का ग्रिप है, तो ये जो है बैक हैंड का ग्रिप है और ये जो है आपका फोर हैंड का ग्रिप है, तो ये फोर हैंड सर्विस इसको बोलते हैं, ये बैक हैंड सर्विस है, ये फोर हैंड, ये फोर हैंड, ये फोर हैंड, तो ये सारे स्किल्स जो है आपको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको आइडिया रहे, यू कैन इमेजिन। तो ये मेरा बैडमिंटन का पार्ट वन था, मैं आपको पार्ट टू में जो है आप जो डिटेल में बताऊंगा फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बैडमिंटन, और इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा इसके बैडमिंटन से संबंधित रिलेटेड अवार्ड्स, इंडियन फेमस पर्सनालिटीज़, वर्ल्ड के फेमस टूर्नामेंट्स, ये सारा डिटेल आपको बताऊंगा और अभी तक इंडिया ने क्या क्या अचीव किया बैडमिंटन में वो सारे डिटेल्स के साथ, प्लस आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।